राम जन्मभूमि परिसर में रामलला मंदिर के साथ साथ सामाजिक समरसता का ध्यान रखते हुए अन्य मंदिर बनाने पर भी मंगलवार को एक बैठक हुई। इस बैठक में राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के मंदिर के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि, माता शबरी, निषादराज, पक्षीराज, जटायु, माता जानकी व गणपति बाबा का मंदिर भी बनाया जाएगा, इस पर बातचीत हुई। यही नहीं, बाल रूप में रामलला की एक अलग से मूर्ति बनाई जाएगी। कोशिश की जा रही है कि पत्थर सफेद हो या काला हो या फिर मुक्तिनाथ का एक शालिग्राम बनाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि इन बातों पर भी बैठक में विचार किया गया और सभी लोगों ने सैद्धांतिक रूप से इसकी सहमति भी दे दी है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि दिसंबर 2023 में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे और भक्तगण नए मंदिर में अपने आराध्य रामलला का दर्शन पूजन कर सकेंगे। चीजों पर चर्चा हुई और टाइम प्लान बनाने की चेष्टा की गई, क्योंकि हमने विचार किया है कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में भगवान को स्थापित करना है, प्रतिष्ठित करना है। रिटेनिंग वॉल, परकोटा, इन सब पर विचार हुआ और अन्य कौन कौन से मंदिर बने, इसकी चर्चा आज ट्रस्ट की मीटिंग में हुई। एक विचार ये आया है कि परिसर में रामलला के मंदिर के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि का एक मंदिर बनना चाहिए, माता शबरी का मंदिर बनना चाहिए, निषादराज का मंदिर बनना चाहिए, जटायु का मंदिर बनना चाहिए, माता जानकी का मंदिर बनना चाहिए, गणपति का मंदिर बनना चाहिए। इन बातों पर आज काफी चर्चा हुई है और लोगों ने सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार किया है। राम लला बाल रूप में ही भगवान की मूर्ति बनेगी, ये भी विचार करेंगे सबसे पूछकर। यदि पत्थर हो तो सफेद रंग का हो, काले रंग का हो या मुक्तिनाथ का ग्रे कलर का शालिग्राम हो, ये भी आज एक चर्चा का विषय था।